नमस्कार दोस्तों, एसआर एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम प्रॉफिट लॉस की नेक्स्ट क्लास में टाइप फोर क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि क्या है, डिस्काउंट या बट्टा। देखो, वस्तुओं पर किस तरीके से बट्टा दिया जाता है, या दो वस्तुओं पर एक फ्री दी जाती है, या तीन वस्तुओं पर एक फ्री दी जाती है, तो उसमें किस तरीके का डिस्काउंट हमें मिलता है। डिस्काउंट दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एमआरपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दिखाना चाहता हूं कि नेट डिस्काउंट होता क्या है। नेट डिस्काउंट क्या होता है, अगर हमारे पास दो डिस्काउंट दे रखे हैं, एक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत, तो इनका नेट डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसको यूज करेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। आपने बोला था कि हम फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे सर, तो बिना फॉर्मूले को भी इसको सॉल्व करके बताऊंगा। जो दोस्त फॉर्मूला सा करना चाहते हैं वो इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान फॉर्मूला है, इसको यूज कर सकते हैं। जो मैंने प्रतिशत में ही बताया था, प्रतिशत में बताया था कि इस तरीके से आप फॉर्मूले से आप नेट प्रॉफिट या नेट प्रतिशत निकाल सकते हो। नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। पहले जो इसमें है ना, दो क्या दे रखे होंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे होंगे, दो क्रमागत बट्टा दे रखे होंगे आपको, जो क्या है, एक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत। पहले उसने कितना दिया, एक्स प्रतिशत डिस्काउंट, उसके बाद उसने दिया वाई प्रतिशत। नेट डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन 100। देखो मैम, बोलो, एक वस्तु पर कितना दिया, पहले दिया 10% का और फिर दिया 40% का डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन एक्स प्लस वाई 10 प्लस 40 माइनस एक्स वाई इंटू यानी 10 गुना 40 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया दोस्तों, 50 में से 4 गया तो कितना हो गया दोस्तों, 46%। 46% क्या हो गया इसका, नेट डिस्काउंट हो गया। आप इसे ओरली भी निकाल सकते हो। दोनों का सम कितना हो गया, 10 प्लस 40 50 माइनस 4, कितना हो गया 46, क्योंकि 10 into 4 400 upon 100 कितना हो गया वो दोस्तों 4। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, नेट डिस्काउंट। देखो क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10% तथा 20% के क्रमिक छूट के बराबर नेट छूट क्या होगी। और सेकंड क्वेश्चन है, 5 वस्तुओं पर 2 वस्तुएं फ्री, तो नेट डिस्काउंट बताओ। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दो, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो, और नहीं तो समझो। देखो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, 100 से मान, उसका अंकित मूल्य कितना था दोस्तों, 100। अब आपको पता है कि छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। ये आपको मैं चीख चीख कई बार बता चुका हूँ कि छूट हमेशा अंकित मूल्य एमपी मार्केट प्राइस पर दी जाती है। तो इस पर 10% निकालेंगे तो माइनस क्या होगा, 10% छूट। माइनस किया 10% छूट तो क्या हो गया, 100 का 10% 10 होता है, यानी कि अब उसकी एसपी कितनी हो गई, 10 90, यानी कि उसकी एसपी कितनी होगी, 90। अब इस पर फिर कितना छूट दिया, 20% का। अब 20% छूट और दो, 90 का 20% दोस्तों कितना होता है, 90 का 20% कितना होता है, यहाँ पर 10 हो गया, 90 का 20% कितना होता है दोस्तों, 18। यानी उसको कितने में बेचा होगा, अब 90 में से 18 और कम कर दो, कितने में बेचा होगा दोस्तों, 72। अब देखो टोटल छूट कितनी होगी, 100 की थी 72 में बेचा, एमआरपी कितनी थी 100, और एसपी कितनी हो गई 72, ये हो गई एमपी। कितने की छूट हो गई, टोटल टोटल की छूट हो गई 100 माइनस 72, कितना हो गया आंसर, 28। या इन दोनों को, छूटों को ऐड कर लो, क्या है, 10 प्लस 18 दोस्तों कितनी आ गई, 28। अब बोलते हो मान गए होंगे कि 100 से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला भी ला सकते हो। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है 10, वाई कितना है 20, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, आप यहां से देखोगे तो 30 माइनस 2 कितना हो गया दोस्तों, 28। ये हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 28। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, दोनों तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, मेरे 100 वाले से भी और आप नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले से भी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा आपको, 30 माइनस 2 कितना हो गया दोस्तों, 28। 28 हो गया कितना दोस्तों, नेट प्रॉफिट। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, 100 वाले से भी और आप इस नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले से भी 28 आंसर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अब देखो 5 वस्तुओं पर, यानी 5 पर क्या दे रहा है, 2 फ्री, 2 वस्तुओं क्या रहे, फ्री। टोटल वस्तुओं को कितने लेकर आया दोस्तों, कुल वस्तुओं कितने लेकर आया, आप बोलोगे 7 वस्तुएं लेकर आया। टोटल वस्तुओं कितने लेकर आया, 7, फ्री कितनी थी, 2। किस पर, 7 वस्तुओं पर क्या होगी, टोटल फ्री होगी 2। इस 5 में अब देखो टोटल कितनी वस्तु लेकर आया था, 7, 2 फ्री थी जिनमें, जिनमें कितनी थी, 2 फ्री थी। टोटल वस्तुओं कितनी होगी दोस्तों, 7। अब देखो प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, और 1/7 जानते हो कितना होगा दोस्तों, 14 सही, 14 सही, 2/7 तो कितना होगा, 28 सही, 4/7%। ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10% 20% 25% की उत्तरोत्तर छूट से
वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी, नेट डिस्काउंट का मान बताना है आपको किस तरीके, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। पहले करते हैं क्या छूट दे रखी है, 10%, 20% और 25%। नेट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला आपको लिखाया था वो कितनी था, सिर्फ दो छूटों के लिए था। पहले मैं इन दो छूटों का मान निकालूंगा, इन दो छूटों का नेट प्रॉफिट क्या होगा, क्या निकालेंगे, 10 + 20 - 10 × 20/100 कितना आ गया दोस्तों, 30 - 2 क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, और कितना होगा दोस्तों 28, यहां कितना आ गया 28 नेट प्रॉफिट आ गया 28%। अब क्या करेंगे, इन दोनों का नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो पहली क्या हो जाएगी, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहली छूट कितनी हो जाएगी, 28 + 25 - 28 × 25/100, 25 से ये कैंसिल 4 बार और 4 से ये 7 बार। अब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 53, 8 + 5 = 13, 53 - 7 दोस्तों नेट प्रॉफिट ना जाएगा 53 में से 7 गए तो 46%, 46% इसका क्या हो जाएगा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, 46% क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, माना एमपी कितना हो गया दोस्तों, मार्केट प्राइस मान लेते हैं 100। अब इस पर छूट कितने की दी गई है, 10%, माने 10% की छूट दी, यानी 10 की छूट दी, अब कितना हो गया, 90 एसपी हो गया। अब कितने की छूट दी है इस पर, 20%, 20% की छूट दी है, माइनस 90 का 20% कितना होता है दोस्तों, 10% 9, 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 का 20% 18 हो जाएगा, यानी अब इसमें से 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 72 इसका एसपी आ गया। अब कितने की छूट दी है इस पर दोस्तों, दिए 25%, माइनस 25%, 25% दोस्तों क्या होता है, 1/4, 72 का 1/4 निकालेंगे यहां से तो कितना हो जाएगा, 18 4 = 72, यानी कितने की छूट और मिल गई, 18 की छूट और मिल गई, माइनस 18 की छूट और मिल गई। अब नेट छूट निकालो दोस्तों, पहले कितना था अंकित मूल्य 100, अब कितना है 54, आंसर कितना है 46, या आप इनको ऐड कर लो तीनों को, क्या होता है 18 + 18 + 10 कितना हो गया दोस्तों, 46% का आंसर आ जाएगा। आप दोनों तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, मैंने किस तरीके से इस 100 मान के भी सवाल को सॉल्व करके दिखाया और इसको भी बिल्कुल इजी तरीके से किया। पहले एमपी मैंने 100 मान, 10% की छूट, मतलब 10 की छूट दी, 100 का 10% कितना होता है 10, एसपी कितना हो गया 90, अब दोबारा छूट दे रहा है वो 20%, 90 का 20% निकाल लिया क्या हो गया 18, और 72 फिर मिल गया हमको 72, 90 में से 18 गया तो 72, अब क्या किया 25% फिर छूट दिया, 25% का मैंने रेशियो बताया था क्या होता है 1/4, 72 का 1/4 निकालेंगे 18, यानी कि 72 18 और गए तो 54। अब पहले कितना था, एमपी कितना है 100 और एसपी कितना हो गया 54, अब छूट निकाल लो 100 में 54 कितना हो गया 46, या आप क्या कर सकते हो तीनों क्रम के छूट कितनी मिली है 10 + 18 + 18, तीनों को जोड़ोगे तब भी क्या होता है 46% आता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहां से मैंने नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले को दो बार अप्लाई करूं, पहले इन दो के लिए फिर इनकी दो के लिए, अगर ये चार होते तो पहले इन दो के लिए निकालते फिर इन दो के लिए निकालते उसके बाद फिर इन दोनों के लिए निकालते, नेक्स्ट के लिए भी आप नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते तो भी आसानी से आप सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत जो समतुल्य डिस्काउंट है बट्टा वो आप आसानी से निकाल सकते हो। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आ रहे हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, कोई वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, बिक्री किया जाता है, तो विक्रय मूल्य को क्या कर दिया उसने, दोगुना कर दिया, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। मैंने बोला था पहले ही सीपी को कितना मान लो, क्रय मूल्य को कितना मान लो 100 मान लो, क्रय मूल्य पर क्या हुआ 25% का क्या हुआ लाभ। अब देखो 100 का 25% कितना होता है 25, 25 का क्या हुआ इस पे लाभ। अब मैं बोल रहा हूं इसमें विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना हो गया 125, क्या मिल गया विक्रय मूल्य। अब देखो पहली लाइन से पता लग गया हमें, जब वस्तु पर 25% का लाभ हुआ था उसका विक्रय मूल्य, यानी 100 में खरीदी और 125 में बेची होगी तो क्या होगा उसको 25% का लाभ हुआ होगा, उसने क्या कर दिया विक्रय मूल्य को दुगना, विक्रय मूल्य को कर दो दुगना, दुगना किया तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 250, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया है 250। अब क्या बोल रहा है लाभ कितना होगा, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो उतना का उतना ही है, क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 250 है, 250 में से 100 गए तो 150, 150 का दोस्तों यहां कितना हो गया लाभ, प्रतिशत में बदलेंगे तो लाभ क्या होगा लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 100, प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा 150% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, 150% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए था, बताओ इस तरीके के लेवल रहेगा आपको क्वेश्चन आने का। ठीक है, जितने भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेंगे मैं आगे बढ़ता चलूंगा, ये बिल्कुल लोएस्ट है, धीरे धीरे आपको मॉडरेट मॉडरेट टू हाई हम करते जा रहे हैं, सब तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, इजी भी टफ भी, देखो किस तरीके से घुमा के भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीद दी
और लागत मूल्य से 25% पर उसे 25% अधिक पर उसे बेच दिया, यदि उसे 75 रुपये कर के रूप में चुकाने पड़े तो उसके नेट प्रॉफिट की प्रतिशतता क्या होगी, नेट प्रॉफिट की प्रतिशतता निकालनी है। मैं बोलता हूँ लागत मूल्य कितना दे रखा है, लागत मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, 1500 रुपये में खरीदी, 1500 रुपये में उसने खरीदी और उसे 25% अधिक में बेच दिया, यदि उस पर उसे 75 रुपये कर के रूप में देने पड़े, 75 रुपये उसे कर के रूप में देने पड़े, यानी कि लागत मूल्य में ही उसका कर जुड़ेगा, उसको 75 रुपये एक्स्ट्रा कर के रूप में चुकाने पड़े, तो क्या हो गया, 75 रुपये उसने क्या कर दिया, कर के रूप में दे दिया, यानी 1500 का 75 रुपये निकाल लेते हैं, उतने प्रतिशत उसने क्या कर दिया, कर के रूप में दे दिया, तो उसकी नेट प्रॉफिट आसानी से निकल जाएगी। जो प्रॉफिट, जो 25% प्रॉफिट हुआ है उसी में से उसने 75 रुपये दिए होंगे, तो 1500 का 75 कितना प्रतिशत होगा, ये क्रय मूल्य पे तो निकालेंगे, तो आप निकालो कितना हो गया दोस्तों, 5%। अब उसकी क्या हो गई, प्रॉफिट 5% कम हो गई, पहले कितना हो रहा था, 25% लाभ हो रहा था, अब 5% इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 20%। नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 20% हो जाएगा नेट प्रॉफिट, यही क्या होगा आपका आंसर। कैसे निकाला, अब देखो 75 रुपये क्या हुए, करके रुपए उसने ऐसा एक्स्ट्रा देने पड़े, करके रूप में 75 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े, मतलब 75 रुपये का जो लाभ हुआ था उसने लाभ में ही 75 रुपये उसको एक्स्ट्रा दे दिया, क्रय मूल्य 75 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़े, तो क्या हुआ कि 75 रुपये उसने किस पर दिए, 1500 पर, 75 रुपये का उसने एक्स्ट्रा दिया, तो 75 रुपये 1500 कितना होता है, यहाँ पर 5% हो गया, और 25 में से 5% और उसको अपने लाभ में से देना पड़ेगा, यानी कि लाभ 5% और कम हो गया, तो कितना हो गया आंसर, 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सामान 31 रुपये में बेचने पर सेल्समैन को कितनी होती है, 7% की हानि होती है, यदि उसी सामान को वह 35 रुपये में बेचे तो उसे कितना लाभ प्रतिशत होगा, अब बताइए कितना लाभ या हानि प्रतिशत उसको होगा, लाभ या हानि प्रतिशत उसे होगा, ऑप्शन ए 7% लॉस, ऑप्शन बी लाभ होगा 5% का, ऑप्शन सी हानि होगी 5% की, ऑप्शन डी प्रॉफिट होगा या लाभ होगा 7% का। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, जो भी सॉल्व कर सकता है जल्दी सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। दोस्तों अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो इसे साथ के साथ लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, दोस्तों को बताते रहें कि पटवारी का पूरा सिलेबस मैंने आपको टाइप 4 आज करा दिया है और नेक्स्ट टाइप कल कराएंगे टाइप 5, उसमें हम बेईमान दुकानदार के भी बात करने वाले हैं, सर डिस्काउंट की हमने आज बात कर ली है, और जो भी टाइप इसमें बचते हैं थोड़े टफ टाइप भी बचते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी उसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, और आप डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया होगा इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो मैं मान लेता हूँ, माना पूरा 100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पूरा 100 मान लेते हैं, यानी कि उसका उसने उसका क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, सीपी कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, अगर सीपी 100 है, 7% की हानि हुई है, 7% की हानि हुई है, तो कितना हो गया, 93 में उसने बेचा होगा, यानी उसकी एसपी कितनी हो गई होगी दोस्तों, 93। अब हमारे हिसाब से उसकी एसपी कितनी है, 93। क्वेश्चन बोल रहा है अगर उसकी एसपी 31, पहले उसको कितने में बेचा, 31 रुपए में, पहले उसको 31 रुपए में बेचा, अब कितने में बेच रहा है, 35 रुपए में, तो हमारे हिसाब से कितनी आ रही है एसपी, 93, और क्वेश्चन बोल रहा है 31, 31 उसकी एसपी आ रही है, तब 93 उसकी एसपी, तो हानि कितने की हो रही है, 7% की, क्वेश्चन के हिसाब से 31 है, अब उसे 35 में बेचना है, तो यानी कि 93 किसके बराबर, 31 की, तो 93/31 35 में बेचेगा, तो एसपी कितनी हो जाएगी, ये 3 टाइम्स कितना हो गया दोस्तों, 105, अब कितना हो गया इसका आंसर आएगा, 105 उसकी एसपी हो जाएगी। क्वेश्चन के हिसाब से क्या, जब 31 में बेच रहा है तो 31 हमारा कितना है, 93 के बराबर, तो 35 यहाँ से किसके बराबर आ गया, 105 के, हमने सीपी कितनी मानी थी दोस्तों, 100, क्रय मूल्य 100 माना था, एसपी कितनी आ रही है, 105, तो क्या हो गया, लाभ हो गया कितने रुपए का, 5 रुपए का इसमें लाभ हो गया, लाभ हो गया 5 रुपए, प्रतिशत में बदलेंगे तो 5/100 × 100, तो यही किसमें आ जाएगा, 5%, यानी 100 का 5% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, यही क्या होगा आपका आंसर। देखो किस तरीके से, कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन किया मैंने आपको, और 15 सेकंड में आराम से आंसर निकाल दिया। देखो दोबारा समझते हैं इसको, मैंने एसपी को कितना मान लिया 100, अब पहले केस में क्या हो रही है, 7% की हानि हो रही है, 100 में 7% की हानि, 100 में से 7 घटाया तो क्या आ गया, 93, इसकी एसपी कितनी आई, 93 निकल के आई, पर क्वेश्चन बोल रहा है 7% की हानि पर उसकी एसपी कितनी, 31, क्वेश्चन के हिसाब से 31 किसके बराबर हो गया, 93 के, अब उसको 35 में बेचना है, 31 जब 93 के बराबर है, 35 की वैल्यू निकाली, तो 93/31 = 35 कितना आ गया दोस्तों, 105, यानी अब जब उसको 35 में बेचेगा तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना एसपी कितनी निकल जाएगी, 105 रुपए, जब क्रय मूल्य 100 है, एसपी 105 है, तो लाभ हो गया 5% का, और यही दोस्तों क्या होगा आपका आंसर होगा। मैं इसी तरीके से समझ समझ के आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं, अगर आपको क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आई है तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, एक बार इसको दोबारा रिपीट करके देखिए, और फिर भी समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से और आसानी समझाने वाला हूँ, बिना फॉर्मूले के ये क्लास चल रही है, बिना कोई ट्रिक के चल रही है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझ ही कर रहे हैं, बस कंसेप्ट लगा रहे थे, तो बस इतना सा कि इस प्रतिशत को
प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100, और किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों क्लास बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। क्लास समझ में आई तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।